हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए ग्लोबल, ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकंड। देखिए, एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। अब ये ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट क्या है, चलिए देखते हैं। पहले भी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, पर अब उसका एनालिसिस देखते हैं क्या है। अहेड ऑफ द जस्ट कंक्लूडेड G20 समिट, द सॉ सेवरल वर्ल्ड लीडर्स कन्वर्ज इन न्यू दिल्ली। कन्वर्ज मतलब आए थे न्यू दिल्ली में, G20 समिट हुआ था। द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट सेक्रेटरीट मेड पब्लिक सिंथेसिस रिपोर्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ 3 मीटिंग हेल्ड सो फार टू डिस्कस प्रोग्रेस अचीव बाय कंट्रीज इन अचीविंग द गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट 2015। ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। देखिए जस्ट अ सेकेंड, वाई इज इट कॉल्ड द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट? द सिंथेसिस रिपोर्ट टाइज इन टू अ लार्जर एक्सरसाइज कॉल्ड द ग्लोबल स्टॉक टेक दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस वंस इन एवरी 5 ईयर। अपने इलेक्शन की तरफ इन 2015 वन कंट्रीज कमिटेड टू पेरिस कमिटेड इन पेरिस टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी एंड एज फार एज पॉसिबल बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। दे ऑल्सो एग्रीड टू पीरियोडिकली रिव्यू और टेक स्टॉक ऑफ एफर्ट्स मेड बाई इंडिविजुअल कंट्रीज इन कंटेनिंग ग्रीन हाउस गैसेज एंड ट्रांजिशनिंग देयर फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट एनर्जी सिस्टम टू रिन्यूएबल सोर्सेज। द फर्स्ट रिपोर्ट दिस ईयर इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस डिस्कशन इन नवम्बर वेन कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव कन्वर्ज इन दुबई फॉर द 28th एडिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो COP जिसको बोला जाता है, इन नवंबर। वाइल कंट्रीज हैव लेड आउट देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो हर कंट्री को निकालना है, दे आर एक्सपेक्टेड टू बट नॉट ऑब्लाइज टू, मतलब वो उनको करना है पर उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि नहीं किया जो कोई पनिशमेंट मिलेगी। इंक्रीजेज देयर एम्बिशन वे एवरी 5 ईयर। वाइल द लेटेस्ट NDC वर सबमिटेड इन 2020, द स्टॉक टेक ऑल्सो aims to push countries to set higher target before the next NDCs and are publicized in 2025। की रिपोर्ट क्या बोलता है? देखिए ये NDC की जो बात हो रही है, हर 5 साल में निकलता है और ये कंट्री अपने मन से निकालता है कि हम ये करेंगे, पर उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो पुश कर रहा है कंट्रीज को कि हायर गोल्स रखिए। एम फॉर द मून सो दैट यू कैन लैंड ऑन द स्टार्स, ये बात हो रही है यहाँ पर। 45-पेज रिपोर्ट लेज आउट 17 key findings दैट ओवरऑल सजेस्ट दैट द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स, दो देयर वॉज स्टिल रैपिडली नैरोइंग विंडो और कंट्रीज टू गेट देयर एक्ट टूगेदर। इन टर्म ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन द सिंथेसिस रिपोर्ट इज इंट अ सिग्निफिकेंट अपडेट ऑन द UN सिंथेसिस रिपोर्ट ऑफ 2022 रिलीज अहेड ऑफ द COP27 इन इजिप्ट, where the NDCs of 166 countries were analyzed to conclude that they were inadequate to meet the Paris Agreement target। मतलब इन्होंने टारगेट इतना लो रखा है कि वो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उस टारगेट को अगर ये लोग फॉलो करेंगे तो वो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा पूरा। जो हमने बोला इस सेंचुरी में 2 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम नहीं राइज होने देंगे, उसकी बात हो रही है। द यूनाइटेड नेशन एमिशन गैप रिपोर्ट, देखिए यूनाइटेड नेशन एमिशन गैप रिपोर्ट ऑल्सो रिलीज लास्ट ईयर रिपोर्टेड दैट 23 बिलियन टन्स ऑफ CO2 वर रिक्वायर्ड टू बी कट टू कीप एमिशन इन लाइन विद पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट क्यों हमने एक माना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात हुई है, उसके लाइन में हम लोग आगे कोई भी टारगेट रख रहे हैं तो वो इतना तो होना चाहिए कि एटलीस्ट उस टारगेट पर चल के हम लोग इसको अचीव कर पाएँ, 2 डिग्री पेरिस एग्रीमेंट, तो वो चीज़ नहीं हो रहा है, वही बात हो रही है। Whereas current pledge by countries, even if fully implemented, would not cut 2.3 billion tons, leaving an emission gap of around 20 billion tons. This too has been highlighted in the latest synthesis report. तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट हुई है इस रिपोर्ट में आपका। What are key findings? Key findings क्या है, देखिए important चीज़ें क्या है। There are 17 headline statements states that the Paris Agreement has galvanized countries into setting goals and signaling the urgency of climate crisis. Governments need to support ways to transit their economies away from the fossil fuel business and that states and communities must strengthen efforts.
वाइल रैपिड चेंज कुड बी डिसरप्टिव, क्योंकि रैपिडली जो भी चेंज होगा वो डिसरप्टिव प्रूफ हो सकता है, इसलिए कंट्रीज शुड वर्क इन ऑन इंश्योरिंग दैट द इकोनॉमिक ट्रांजिशन बी इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव सबको लेके चलो, ऐसा नहीं कोई सेक्शन कुछ कर रहा है, कोई सेक्शन सोसाइटी का कुछ कर रहा है। इट स्टेटेड दैट मच मोर एम्बिशन वॉज नीडेड टू रिड्यूस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 43% बाय 2030 एंड फर्दर बाय 60% इन 2035 एंड रीच नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 ग्लोबली। मतलब ग्लोबली नेट जीरो कार्बन एमिशन हो, कोई भी कंट्री कार्बन एमिशन ना करे। रिन्यूएबल एनर्जीज हैज़ टू बी स्केल्ड अप एंड ऑल अनबेटेड फॉसिल फ्यूल, फॉर एग्जाम्पल कोल प्लांट विदाउट कार्बन कैप्चर एंड शॉर्टेज स्टोरेज मैकेनिज्म वर टू बी रैपिडली एलिमिनेटेड। जैसे कोल प्लांट हो गया, इनको तुरंत हटाओ यार, रिन्यूएबल एनर्जीज को स्केल अप करो, बढ़ाओ इसको, जितना जल्दी बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन हैव टू बी हॉल्टेड, मतलब वो लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काट रहे हो डेवलपमेंट के लिए, उसको खत्म करो, रोको उसको, हॉल्टेड का माने रोको। रिवर्स एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्रिटिकल टू रिड्यूसिंग एमिशन एंड कंजर्विंग द इनहेंसिंग कार्बन सिंक हैव टू बी इंकरेज। वाइल द वर्ल्ड एज अ होल हैज कमिटेड टू स्केल अप दिस स्केल अप स्टेप्स टू हेल्प अडॉप्ट द अनफोल्डिंग एंड फ्यूचर इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, मोस्ट एफर्ट्स वर फ्रेगमेंटेड, इंक्रीमेंटल, सेक्टर स्पेसिफिक एंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस रीजन। ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग ऑन एडेप्टेशन कुड फैसिलिटेट एंड इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो यही बात हो रही है, एवर्टिंग, मिनिमाइजिंग एंड एड्रेसिंग लूज एंड डैमेज, लॉस एंड डैमेज, सॉरी, लॉस एंड डैमेज रिक्वायर्ड अर्जेंट एक्शन अक्रॉस क्लाइमेट एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज टू मैनेज रिस्क कॉम्प्रिहेंसिवली एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू इम्पैक्टेड कम्युनिटीज, जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, सपोर्ट फॉर एडेप्टेशन एंड फंडिंग अरेंजमेंट्स फॉर एवर्टिंग, मिनिमाइजिंग एंड एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नीड टू बी रैपिडली स्केल्ड अप फ्रॉम एक्सपेंडेड एंड इनोवेटिव सोर्सेज। फाइनेंशियल फ्लो नीड्स टू बी मेड कंसिस्टेंट विद क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट टू मीट अर्जेंट एंड इंक्रीजिंग नीड्स। एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज नीडेड टू बी इनहेंस्ड। इट वॉज एसेंशियल टू अनलॉक एंड रिडिप्लॉय ट्रिलियंस ऑफ डॉलर टू मीट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नीड, इंक्लूडिंग बाय रैपिडली शिफ्टिंग फाइनेंस फ्लो ग्लोबली टू सपोर्ट अ पाथवे टूवर्ड्स द जीएचजी एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट। वॉट इम्पैक्ट डिड द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट हैव? वाइल द रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू सेट द टेम्पलेट फॉर द फोर्थकमिंग कॉन्फ्रेंस, इट डिड रेजोनेट इन द G20 लीडर्स डिक्लेरेशन लास्ट वीक, सेट टू बी अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द समिट। दिस डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फर्स्ट टाइम फॉर्मली रिकॉग्नाइजेज अ मैसिव जंप इन फाइनेंस नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू अ रिन्यूएबल एनर्जी इकॉनमी। द डिक्लेरेशन नोटेड द नीड फॉर USD, मतलब US डॉलर 5.9 ट्रिलियन इन द प्री 2030 पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज USD 4 ट्रिलियन पर ईयर फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, इतना नेट जीरो कमी। ठीक है, यहाँ पे यही बात हो रही है भैया कि कैसे ये रिपोर्ट सारी चीज़ें सच बता रहा है। तो मेरे हिसाब से इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले तो ये ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, पेरिस एग्रीमेंट, आपका G20 में जो आपका USD आपका हुआ है क्लीन एनर्जी के लिए, और 4 USD हुआ है क्लीन एनर्जी के लिए, और 3.9 ट्रिलियन वो हुआ है आपका रिन्यूएबल के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कैसे हम अपने, ये जो यहाँ पे बात हुई है, देखिए NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो NDC की बात हुई है वो बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर, और उसको कैसे हमें हायर गोल करना चाहिए ये रिपोर्ट हमें बता रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये बात हो रही है। कार्बन 23 बिलियन टन जो हमारा रिक्वायर्ड है, ये यही सब बात है इसमें, और हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हो रही है। ये रिपोर्ट इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें क्या देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना रियलिटी चेक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इस साल का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होता है उसमें हमें क्या हमारा एग्रीमेंट रहता है, हम किस पॉइंट पर बात करते हैं, वो देखने लायक होगा, तो उस समय उसका वीडियो आपके पास आ जाएगा। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।